सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। जिला स्कूल के मैदान में हो रहे भवन निर्माण पर AISF के सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त की है। हालांकि इस कार्य को फिलहाल जिले के उपायुक्त ने रोक लगा दी है। आज सुबह AISF के सदस्यों ने आज धरना प्रदर्शन जिला स्कूल के मैदान में किया। धरने को संबोधित करते हुए AISF के जिला अध्यक्ष सुजीत पांडे ने कहा कि फिलहाल रोक तो लग गई है, फील्ड की जो खुदाई की गई है उसे भरवा कर पुनः जिला स्कूल का मैदान पहले के जैसा बनाया जाए, नहीं तो इसके खिलाफ आंदोलन करने को वे बाध्य हो जाएंगे। आपको बता दें कि जिला स्कूल का मैदान जिलेवासियों का एकमात्र खेल का मैदान है, जहां आए दिन कई तरह के खेल का आयोजन, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे जिला प्रशासन का, चाहे किसी संगठन का, यहां पर होते आया है। पिछले दिनों यहां पर भवन निर्माण को लेकर फील्ड में खुदाई की गई है, जिसे लेकर समाज के अलग अलग लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिले के उपायुक्त ने फिलहाल काम तो रोक दिया है। परंतु आज AISF के सदस्यों ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि जो खुदाई हुई है उसे फिर से भरावट कर मैदान को यथावत पहले के जैसा बनाया जाए। पलामू जिला का एक ही मैदान जो है आम आवाम का है, पलामू वासियों का है, जिसको भी पलामू प्रशासन के द्वारा इसमें भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, जो ये कहीं से उचित नहीं है। भवन निर्माण हेतु जिला स्कूल के चौहद्दी में काफ़ी जगह है जिसमें कि बनाया जा सकता है, मगर उन्होंने पीच के बीचों बीच उन्होंने पसंद किया है भवन निर्माण हेतु, जो कि उनका निर्णय गलत है और इसके विरोध में आज हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि इसको पहले जैसा भरकर हमें पुराना पीच नहीं मिल जाता है, तब तक हमारा आंदोलन यूं ही चलता है।